आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि कल जिस तरह से अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जो है यात्री निवास से रवाना होगा, उसको लेकर आपको बता दें कि जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है वो यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी संख्या में लोग मौजूद है और महाजन सभा के अलावा अन्य जगहों पर भी जो है रजिस्ट्रेशन लगातार चल रही है। सुबह से ही लोग जो है लाइनों में लगे हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इनकी रजिस्ट्रेशन की जा रही है और कितने लोग जितने भी आए हुए हैं अलग अलग राज्यों से कितने ज़्यादा उत्साहित है वो भी जानते हैं। तो जम्मू शहर में जहाँ जहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर लगे हैं, लेकिन उससे पहले जो है आपका मेडिकल चेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। आपको बता दें कि सबसे पहले बीपी आपका चेक किया जाता है, उसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें सैंपल्स भी जो है यहाँ पर लिए जा रहे हैं और जितने भी यात्रु जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं और उसके बाद उसे आगे इन्वेस्टिगेट कर आगे भेजा जा रहा है। और उसके बाद जिन लोगों का मेडिकल पास होगा उन्हीं की रजिस्ट्रेशन जो है उसका प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि महाजन सभा में इस समय मौजूद है जहाँ पर मेडिकल चेकअप के लिए सैंपल जो है लिए जा रहे हैं। इसके आगे अलग अलग काउंटर्स भी जो है वो लगाए गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं चाहे कोविड की टेस्टिंग की बात की जाए चाहे ब्लड सैंपल की बात की जाए तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पर मेडिकल टीम जो है यहाँ पर बैठी हुई है और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई जो है ये करेंगे। लेकिन सबसे मेन आपको बता दें कि आप किसी भी काउंटर में अगर जा रहे हैं सबसे पहले आपका बीपी चेक किया जाएगा, उसके बाद ब्लड के सैंपल्स लिए जाएंगे और जब आपकी मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल ओके होगी उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन जो है आपकी होगी। तो मेडिकल जो इनकी सर्टिफिकेट है उस पर स्टैंप भी लगाई जा रही है, पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक है जाने के लिए अमरनाथ यात्रा के लिए या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कतार में जो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो है और अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है और जिसे अप्रूव जो है यहाँ पर जो टीम तैनात है उनके द्वारा किया जा रहा है। अजय कुमार सेठ है। अजय कहाँ से आए हो आप? मैं भदोही बनारस से आया हूँ। कितने खुश हो कि अमरनाथ यात्रा 2 साल के बाद होने जा रही है? बहुत ज्यादा ही समझ लीजिए कि ऐसा लग रहा है कि हम कई साल हो गए हमको यहाँ पे आए हुए और बाबा बर्फानी का दर्शन करने के लिए बहुत दिल से समझ लिए कि इच्छा है कि कब बाबा का दर्शन हो जाए, क्योंकि काशी विश्वनाथ का रहने वाला हूँ, फिर यहाँ पे बाबा बर्फानी का दर्शन कर लूंगा। समझ लीजिए मैं अपने कितने सालों से आप अमरनाथ यात्रा? मैं 2-3 सालों से आ रहा हूँ। 2-3 सालों से आ रहा हूँ। तो कितनी खुशी, रजिस्ट्रेशन भी आपको मिल चुकी? बहुत बहुत अच्छी खुशी है। क्या कहना चाहोगे अपने दोस्तों को भी जो अमरनाथ यात्रा नहीं आ पाए? ये कहना चाहता हूँ कि वो और तादाद में आए और अच्छे से आए। यहाँ पे कोई कमी नहीं है, सरकारी सुविधा भी कोई कमी नहीं है, खान पान में कोई कमी नहीं है, डर किसी चीज़ का नहीं है? नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं है क्योंकि सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, सिक्योरिटी इतनी टाइट की हुई है कि कोई दिक्कत नहीं है। समझ लीजिए कितनी खुशी है 2 सालों के गैप के बाद जा पाए। 2 साल दुख हुआ था जब नहीं जा पाए थे। जा पाऊंगी। तो जहाँ पे जिस तरह से वहाँ पर कोई डर तो नहीं आपको जाने? नहीं, कुछ डर नहीं, कुछ दर्शन करने हैं। हाँ, खाली दर्शन करना है। तो रजिस्ट्रेशन जो है इनकी हो चुकी है, आधार कार्ड इनके हाथों में है और काफ़ी खुश जो है ये नज़र आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि अब बाबा बर्फानी के दर्शन ये 2 साल के इंतज़ार के बाद जो है अब कर पाएंगे। अलग अलग जगहों से जो है ये आए हुए हैं, हमारे साथ कुछ और भी जुड़े। आपका नाम? मस्तन्मयी विजया हरिचंद्र शिंदे। कहाँ से आए? महाराष्ट्र से आए। महाराष्ट्र से आए। कितने खुश हैं? बहुत खुश है, मेरे सब हो गया है, मेरा सब हो गया मेरा। कितना इंतजार है मुझे? कितना इंतजार कर रहे हैं? 7 बजे से थे इधर। बहुत अच्छा है यार। 2 साल से आप नहीं जा पाए थे? नहीं जा पाए। कितना बुरा लगा था सर? बहुत बुरा लगा। तो अब सारी खुशी उमड़ गई है? उमड़ गई है, मिला ना मुझे मेरा ये सब पास बेल्ट, बहुत खुशी मिली मुझे। आपका नाम? ताराबाई पंडरीनाथ तागड़। कहाँ से आए? अमरनाथ से आए। अमरनाथ के लिए? अमरनाथ। रजिस्ट्रेशन हो गई आपकी? हो गई। कितनी देर से इंतजार कर रहे थे? 8 दिन हो गए। तो कितना अच्छा लग रहा है आप जा रहे हैं? अच्छा लग रहा है ना। और भी हमारे साथ जो है अमरनाथ यात्रा
श्रद्धालु हैं, हमारे साथ जुड़े, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? मंगल अंकुश बालेकर। कहाँ से आए आप? औरंगाबाद जिला गंगापुर तालुका। तो अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन होगी आपकी? हो गए। कितने समय से इंतजार कर रहे थे? 8 दिन के लिए। 8 दिन के लिए। तो कितनी खुशी हो रही है कि आप बाबा परफानी के दर्शन? लेकिन हमारा दर्शन अच्छा होने को लगा। अच्छा, अच्छा होने को होना दर्शन। दो साल के इंतजार के बाद जा रहे हैं? 2 साल के इंतजार के बाद। कितना इंतजार था? बहुत इंतजार। आपका नाम? रंजना शेजरा। कहाँ से आए? नेवा सतानु का। कितनी खुशी है आपको? है मैं बहुत खुश है। बोलो। खुश है हम। प्रशासन पिछले 2-3 महीने से लगा था अमरनाथ यात्रियों की तैयारी के लिए, आज वो दिन आ गया है। यहाँ पर मैं आज महाजनाल जो यहाँ ये सेंटर है, यहाँ पर्ची बनती है सारा, यहाँ लंगर लग रहा है, यहाँ मैं आया, मेरा आना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार यात्रा में इस किस्म का उत्साह देखा है और बहुत सी संख्या में नौजवान आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और माननीय एलजी साहब और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो युद्ध प्रयागराज में जो कुंभ मेला लगा था, उसी तर्ज के ऊपर ये यात्रा इस बार हो रही है और इस यात्रा का नाम ही है स्वच्छता यात्रा, साफ सुथरी यात्रा। और पहली बार हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं यहाँ, या उनकी चौकियाँ पिकेट्स हैं, वहाँ भी बाथरूम वगैरह पूरी सुविधा उनको दी गई है। और वो भी बोल रहे हैं कि पहली बार ऐसी सुविधा दी गई है। जम्मू का पूरे जम्मू वासी आज यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं। जितने भी हमारे कम्युनिटी सेंटर हैं, ब्रादरीज हैं, एसोसिएशन हैं, सब ने अपनी तरफ से जहाँ जहाँ जो हाल है वो व्यवस्था की है और यात्री खुश हैं। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जम्मू वासियों से यही अपील करता हूँ कि आप स्वागत करिए यात्रियों का, यात्रियों का दिल खोल के स्वागत करिए ताकि आने वाले समय में और यात्रा आए। 2 साल के बाद ऐसी यात्रा हो रही है, कोरोना काल के कारण यात्रा नहीं हो पाई थी। इस बार की यात्रा आप अपने आप में हिस्टोरिकल यात्रा है। यहाँ लखनपुर से लेकर बढ़ाल तक सारी व्यवस्था को, स्वच्छता की जो सैनिटेशन सफाई को जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देख रहा है अन्य लोकल बॉडी के साथ, और बढ़ाल से आगे पूरा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बढ़ाल से लेकर वहाँ तक, बालटाल तक और पहलगाम तक, सब लोकल बॉडी के साथ मिलकर जिसकी निगरानी पूरी धीरेन्द्र गुप्ता जी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर साहब वो कर रहे हैं, नितेश्वर जी खुद गवर्नर साहब कल बेस कैंप भक्तिनगर में गए थे, एक एक चीज़ की उन्होंने वहाँ समीक्षा की है कि पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, सफाई है कि नहीं है। और हमें कहा गया है कॉरपोरेशन को कि आप और स्वच्छता के लिए सफाई साथी और लगाएं, तो हम आज पिछले साल से बात हुई है और साथी लाएंगे। मैं स्वयं एक एक चीज़ को मॉनिटर करूंगा, रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, यात्रा 3 बजे निकलती है, खुद जाके देखेंगे कि बाथरूम साफ है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है, और किसी किस्म की कमी यात्रियों को ना हो। जम्मू वासी ऐसा पहली बार हो रहा है, खुलकर स्वागत करें, पोस्टर लगाएं, होल्डिंग लगाएं, यात्रियों के साथ अट्रैक्शन करें ताकि अगले साल इससे भी डबल यात्रा आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हर किस्म का नया ही है, मैं आप देख रहा हूँ, आप जाके देखिए भक्ति नगर के अंदर या यहाँ से लेके बढ़ाल तक रास्ते में हर जगह एक आज महाजन हाल में जहाँ खड़े हैं, मैं भी यहाँ व्यवस्था रहा हूँ। आज जिस किस्म की मैटिंग है, जिस किस्म का बार अरेंजमेंट है, मुझे याद है बारिश होती थी और बारिश में भी यात्री भीगते थे, पूरी व्यवस्था है सिक्योरिटी फोर्सेज की है, यात्री खुश हैं, पूरा सिस्टम से काम चल रहा है और इसको कैसे अच्छा कर सकेंगे उसके ऊपर काम करेंगे। अमरनाथ यात्रा जिस तरह से पहला जत्था कल सुबह रवाना होने जा रहा है और उसको लेकर जो बाहर से यात्री जो आए हुए हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी आज हुई, हमने आपको दिखाया कि कितने ज़्यादा उत्साहित होते हैं क्योंकि पिछले 2 सालों के बाद ये यात्रा फिर से शुरू होने जा रही थी और जितना ही देरी लग रही थी उतने ही ज़्यादा एक्साइटेड ये थे। इनका ये कहना है कि उन्हें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, सरकार पर पूरा भरोसा है कि पूरी सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करेंगे और बाबा परफानी के दर्शन उन्हें करने हैं। और जयकारे भी आपने सुना कि किस तरह से लगाया जाए, तो हम आप लोगों से यही अपील